हेलो गाइस, मैं हूं विश और आप देखें लर्न बेसिक्स। तो अगर आप दो डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में टाइप करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान तरीका जिसके थ्रू आपको सिंपल से कीवर्ड से आप दो अलग अलग लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप अपना पुराना मेथड छोड़ देंगे, यानी कि बार बार जाकर के फॉन्ट सेलेक्ट करना या फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना, अगर आप दो अलग अलग भाषाओं में टाइप करते हैं तो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम शॉर्टकट कीज क्रिएट कर सकते हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए ये शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं कि कैसे हम दो डिफरेंट लैंग्वेज में लिख सकते हैं एक साथ एक सिंपल से कीवर्ड से, यानी कि आपको बार बार जाकर के यहाँ से फॉन्ट नहीं चेंज करना या साइज नहीं चेंज करना है। सिंपल जैसे कि हम शॉर्टकट की कंट्रोल वी कंट्रोल सी के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से हम इसके लिए भी शॉर्टकट की बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान कर देगा आपका काम। तो कैसे करते हैं, इसके लिए आपको छोटी सी सेटिंग करनी है, ज्यादा कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पर जाइए, ठीक है, स्टार्ट मेनू पे देखिए, यहाँ पे वर्ड ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि शो डेवलपर टैब इन रिबन, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक डेवलपर का टैब अलग से बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गई पहली सेटिंग, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए माइक्रोस का ऑप्शन दिखा रहा होगा, रिकॉर्ड माइक्रो का, ठीक है। तो हमें एक माइक्रो रिकॉर्ड करना है उस पर्टिकुलर की के लिए, कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिएगा। सिंपल यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रो पे हम जब हम क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है माइक्रो वन, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, बटन एंड कीवर्ड। तो हमें बटन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कीबोर्ड जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये बड़ी सी विंडो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, हम सिंपल कंट्रोल के साथ वन, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ बन के आ जाएगा। हम ये शॉर्टकट की देने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। सिंपल यहाँ पे उसके बाद नीचे असाइन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे टेप जैसा बनकर के आ गया आपके कर्सर के सामने, ठीक है। तो हमें अब हिंदी फॉन्ट और फॉन्ट साइज सेलेक्ट करना है, ठीक है। कैसे, देखिए होम पे गए, हमने यहाँ पर एक हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने साइज कर लिया 16, ठीक है, 16 हिंदी का 16 और इंग्लिश का हम 12 करेंगे, क्योंकि दोनों का लगभग लगभग इक्वल है, मतलब देखने में एक जैसे लगेंगे, ठीक है, मतलब बड़ा छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला, अब हमारी ये पहला फॉन्ट सेलेक्ट हो गया। तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी सिंपल आपको यहाँ डेवलपर पे जाना है और स्टॉप करनी है रिकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। अब पहला माइक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो गया कंट्रोल वन का हिंदी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अब हमको दूसरा माइक्रो रिकॉर्ड करना है, तो फिर हमें वही काम करना है अगेन, ये रिकॉर्ड माइक्रो पे जैसे ही आप शुरू करेंगे फिर से आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर माइक्रो टू बन के आ गया, या ध्यान दीजिएगा पहले वाले में माइक्रो वन था, अब ये है माइक्रो टू, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं शॉर्टकट की। फिर यही कीबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर इस बार देंगे कंट्रोल टू, पिछली बार हमने दिया था कंट्रोल वन अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है। सिंपल असाइन पर क्लिक करिए, ये असाइन हो गया, यहाँ से क्लोज कर दीजिए और आपकी रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हो गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम वापस से होम पे गए, हमने यहाँ पर एरियल सेलेक्ट किया, ठीक है, और हमें फॉन्ट साइज क्या देनी है 12, ठीक है, ये हो गया फॉन्ट साइज हमने 12 दे दी। अब हम वापस डेवलपर पे गए और माइक्रो को स्टॉप कर दिया, यानी कि स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब दो माइक्रो हमारे बन गए, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है हमें, पहले हम कंट्रोल वन प्रेस करेंगे तो ये हिंदी टाइप करना शुरू कर देगा, ये देखिए, ठीक। कंट्रोल टू प्रेस करेंगे तो फिर देखिए इंग्लिश टाइप करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैं जरा तुरंत तुरंत करता जा रहा हूं, मैं कोई फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर रहा हूं, ठीक है। फिर कंट्रोल वन किया तो फिर इसने हिंदी शुरू कर दी टाइप करना, ठीक। फिर कंट्रोल टू प्रेस किया तो फिर इसने इंग्लिश टाइप करना शुरू कर दिया। तो गाइस ये आपका बहुत सारा समय बचा सकता है और मैं दावे से कह सकता हूं कि वीडियो देखने के बाद अब आपको बार बार फॉन्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दो अलग अलग लैंग्वेज में टाइप करते हैं तो ये काम आसानी से आप छोटे से कीवर्ड सेटिंग से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको माइक्रो हटाना है, मान लीजिए कि आपका काम हो गया, अब आप चाहते हैं कि कुछ और, मतलब कुछ और कोई और माइक्रो देना है, कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, वही बहुत आसान है। सिंपल यहाँ देखिए उसके बगल में ये माइक्रो दिख रहा है, ये रिकॉर्डिंग थी जो हम पहले यूज कर रहे थे, अब ये माइक्रोज है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन दिखा देगा। ये हमने दोनों पर देखिए माइक्रो वन माइक्रो टू जो भी हमने क्रिएट किया था, जिस माइक्रो को भी आपको हटाना है उसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पर डिलीट ऑप्शन दिया होगा इस पर डिलीट कर दीजिए और यहां से जैसे ही आप यस करेंगे ये माइक्रो हट जाएगा, ठीक है। फिर वन भी हटाना चाहे तो वन भी हटा सकते हैं, ठीक है। ये इस पर क्लिक किया, ये माइक्रो हट गया, इसको क्लोज कर दीजिए। अब आपकी कोई सेटिंग नहीं है, अब आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट होगा वहां पर उसी हिसाब से ही आपका कर्सर जो है यहाँ पर आपका टाइपिंग होगा,
ठीक है। तो गाइस ये कमाल का और आसान सा फीचर है, अगर एक बार आप ये सीख गए तो समझ लीजिए आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। तो गाइस आप बताइए कैसा लगा। आई एम 100% श्योर कि अब आप पुराना तरीका तो नहीं इस्तेमाल करने वाले, इसी तरीके को आप आराम से अपने यूज में लाइए और अपना रूटीन कंप्यूटर वर्क आसान बनाइए। तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनसे भी ट्रिक बताइए, हो सकता है वो भी पुराने ही मेथड से अभी तक यूज कर रहे हो दो अलग अलग भाषाओं में टाइप करना, जो कि काफी इरिटेटिंग होता है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।